भाजपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए कमिश्नरी न्यायालय में पहुंचकर दो सेट में नामांकन किया, जिसके संबंध में भाजपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मेरा सबसे पहली प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश के सुशासन को मजबूती देना और मुख्यमंत्री योगी के राज्य में कानून को मजबूती देना और अपराधियों के खिलाफ छेड़ी गई लड़ाई को मजबूती देना है और पढ़े लिखे नौजवानों को उनके प्रतिभा और मेरिट व योग्यता के आधार पर शासकीय सेवा में जाने का मार्ग प्रशस्त करना है। उन्होंने कहा, मैंने भाजपा से नामांकन किया है, एक दो दिन में पार्टी के द्वारा नाम की घोषणा कर दी जाएगी। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि स्नातक छात्रों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाया जाए और शासकीय सेवा में ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एन जी, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के एमएलसी एवं एमएलसी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, तीन लोग जाएंगे, देखो भाई देखो यार, हम लोग भी आप लोग पीछे आपकी पर्ची दे दीजिए, हम लोग धन्यवाद। ठीक दे दीजिए उसके आदमी हो गया जिला निर्वाचन पहले से मिल जाएगा, वहीं सब जगह आता रहे लेने के लिए। सर इसी में ही है, बाकी सब रसीदें इसी में लगी हुई हैं। जो है नाम बताऊं? सूरज है। हमारी प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश के सुशासन को आगे और मजबूती देना। हमारी प्राथमिकता है योगी जी के कानून के राज को और मजबूती देना। हमारी प्राथमिकता है योगी जी के अपराधियों के खिलाफ छेड़ी गई लड़ाई को और मजबूती प्रदान करना। हमारी प्राथमिकता है पढ़े लिखे वर्ग के नौजवानों को उनकी प्रतिभा और मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर शासकीय सेवाओं में जाने का मार्ग प्रशस्त करना। भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग मेंबर हूँ। भारतीय जनता पार्टी से मैंने ना